चाचोड़ा जनपद सीईओ गगन वाजपेयी पर एक युवक से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। युवक के नाम पर कपिलधारा योजना में पैसे निकल गए थे। इसकी शिकायत युवक ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। युवक सीईओ को आवेदन देने पहुंचा था। युवक का आरोप है कि सीईओ ने उसे बाथरूम में बंद कर बेल्ट से पीटा, इसके बाद उसकी गर्दन पकड़कर बाहर ले आए। जानकारी के अनुसार मोहनपुर के वाले भगवत मीना बुधवार को चाचोड़ा के जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर कपिलधारा के कुएं के 3.50 लाख रुपए निकाल लिए हैं। सरपंच सचिव ने मिलकर पैसे निकाले हैं। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में की हुई है। वहीं जनपद पंचायत में भी इसकी शिकायत की है। भगवत ने बताया कि वहां बुधवार को आवेदन देने जनपद कार्यालय पहुंचे थे। वहां आवेदन में पूछ रहे थे कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। भगवत ने आरोप लगाया कि इसी दौरान सीईओ गगन वाजपेयी ने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। वहां बेल्ट से मारपीट की गई, इसके बाद उसकी गर्दन पकड़कर बाहर लेकर गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। वीडियो में जनपद सीईओ गगन वाजपेयी युवक के गर्दन पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में सीईओ गगन वाजपेयी से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। चाचोड़ा से रिंकू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समझ नहीं पा रही कहीं। भगवत मीना यहाँ काय के लिए आया हो? मैं आया था सर कुएं के संबंध में। मेरे कुएं की राशि निकाली सरपंच सचिव ने 3,50,000 उस संबंध में। फिर और सीओ साहब के पास में आया था। चपरासी ने मुझे अंदर नहीं भराने दिया और तब मैं जाके बाहर चबूतरे पे बैठ गया। तभी एक चपरासी आया कि आपको सीओ साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला गया और जैसे ही मैं चैम्बर में भीतर गया तभी सीओ साहब ने मेरा फोन छुड़ा लिया और ये कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव बनाया। जब मैंने कंप्लेन वापस नहीं ली तो मुझे लेटरिन बाथरूम में अंदर कर दिया सीएम हेल्पलाइन वाली। और उस संबंध में और फिर बाद में मुझे मीटिंग हॉल में ले गए। वहाँ पर मुझे बेल्ट से मारा और घसीटते हुए बाहर ले आए। क्या रिपोर्ट की थाने में आपने? अभी नहीं की सर रिपोर्ट मैंने। क्यों नहीं की सर? वो मुझे वो FIR दर्ज कराने की बोल रहे थे मेरी और ये बोल रहे थे तो ये 6 महीना जमानत नहीं होने दूंगा इस संबंध में। फिर सर मैं वापस घर चला गया और अब वापस रिपोर्ट करने आया हूँ। थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हो? हाँ जी सर। कौन कौन आदमी ने मारा आपको? मुझे सीओ साहब ने। भीतर 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 चैम्बर में थे वे थे एक तो पटौने की देवीन भाई साहब। हाँ। और भी थे बरकेड़ा के नेताजी थे और भी सरपंच साहब थे। मैं चैम्बर में था जी अंदर बैठा सीओ साहब के। चपरासी ने बोला सब कोई बाहर आदमी खड़ा है पहले मना कर दिया किसी को अंदर मत आने। फिर उसने नाम दिया मोहनपुर वाला है चला उला बुला सब निकल गया ये दौड़ के पकड़ लाओ कहाँ है वो यहाँ से वो ले गए अंदर जा कर के। उनने कोई फाइल थी उसके पास वो दही तो उन्होंने नहीं तेरा मोबाइल जल्दी दे जल्दी जल्दी उसका मोबाइल छुड़ा लिया। इस पर वो 181 शिकायत काट तुमने शिकायत कर रखी है मेरे समय नहीं काटूंगा तुम काट नहीं माना तो उसको पकड़ के लेटरिन में बंद कर दूंगा। 5 मिनट तक वो अंदर बंद रहा उसके बाद पता क्या आया उसको अपने आप ही उसको निकाला बाहर ले गया बाहर फिर ने देखा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बेल्ट के साथ मारपीट बेल्ट से मारपीट की गई है ये बताएंगे जनपद की। हम अंदर ही रह गए दोनों जी ये चैम्बर में रह गए फिर जनपद ले गए वो पीछे हॉल है मीटिंग का जी जी जनपद सदस्यों की मीटिंग चल रही थी वहाँ से पकड़ के लाए घसीट के कॉलर पकड़िए कॉलर पकड़ कर एक हाथ में बेल्ट था सीओ साहब
और हमने सीओ साहब को पहली बार देखा कि सीओ है। कौन है अभी सीओ, कौन है यहाँ पे, एक नाम बताएंगे? गगन वाजपेयी। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कौन आया, वो वनपुर वाला है, यदि जाओ उसको बुला के लाओ। फिर बोला चपरासी ने कि नहीं वो तो निकल गया, नहीं बाहर से जा भी हो वहाँ से पकड़ के लावा, बुला के लाओ उसको यहाँ। फिर उसको आप बुलाया, अंदर किया, अंदर बोला कि आपने बहुत शिकायती आदमी हो, आप शिकायत करते हो, और उससे फाइल ली और 181 शिकायत की वो काटवा। जब मारपीट की भी खबरें आ रही हैं, मारपीट की आपके सामने आपने देखा? अंदर हमारे सामने मारपीट नहीं की, हमारे सामने तो उसके कॉलर पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद वो सीओ बाहर निकल गए, फिर किसी दूसरे को भेज के मृतकों को इसको बाहर निकाल कर लाओ। तो उसको बाहर निकाल के ले गए, हम अंदर चैम्बर में थे। इसके बाद वो किधर ले गए ये जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग बाहर थे उनने देखा है, उनने बताया है कि इसको बाहर ले जाके मारपीट की, बेल्ट से भी की और कॉलर पकड़ के घसीटा दी उसको। ये लोगों का कहना है जो हमने सुना।